गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। इसलिए दर्शन के लिए आए हैं ये बात सुनिश्चित, लेकिन और एक विशेष गूढ़ बात इसमें है। जब किसी को कुछ कार्य के लिए कुछ कहीं जाना हो समझा, उस समय अनुकूल जो जो होगा उन्हें को इकट्ठा होने का आदेश तो दे सकता है कि भाई मैं आ रहा हूं उधर, फलाना फलाना ये ऑफिसर ये ऑफिसर ये ऑफिसर उनको बुलाओ, सबकी मीटिंग हो जाएगी और फिर निश्चय किया जाएगा। सामान्यतः हम लोग ये करते ही है। उसी प्रकार अब जो जो कार्य करना है उस कार्य के अधिष्ठात्री देवता जो जो है वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये विषय समझने में थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, लेकिन इसकी ज्यादा मीमांसा करना उतना समय भी अपने पास नहीं है कि कौन कौन सा कार्य किया है और उस कार्य के अधिष्ठात्री देवता कौन सी है। उस देवता के जरिए वो कार्य अविरत स्वयं कर ही रही है, ऐसा नहीं उस देवता का कुछ अलग सामर्थ्य है उसकी सहायता ले रही है, नहीं। कल शुरू में महात्माओं का मां की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण हम इसलिए देखा था कि जो शक्ति कार्य कर रही है हमारे द्वारा वो ये है, स्वयं बताते हैं महात्मा लोग। तो उस प्रकार ये सब देव देवता ऋषि मुनि इनके द्वारा कार्य करने वाली शक्ति वो स्वयं है। अब अलग अलग कार्य नहीं है, इनके द्वारा कुछ होता नहीं है, जीव आक्रांत तो रहे ही है, इसलिए ठीक है अब स्वयं ये भी भाव हो सकता है, हो सकता है, मैं अनुमान की बात कर रहा हूं। ये इसके लिए प्रमाण क्या है? एक है मां तो इस बारे में सहसा बात करती नहीं थी, मां के लीला सहचरों ने बहुत कोशिश की इस बात की, इसके ऊपर मां कुछ प्रकाश डाले, लेकिन दीदी मां के मुंह से वो भी चुप रहती थी, लेकिन कभी कभी उनके मुंह से निकल जाता था। तो इन देवी देवताओं के संबंध में, अवतारों के संबंध में, महापुरुषों के संबंध में जो दर्शन के लिए आते थे, जो पूछा गया तो कहती है इन रूपों में तुम्हारी मां तो वही, मतलब वही तत्व दिखा रही है कि इनके द्वारा जो जो कार्य होता है और हुआ है वो सब इनकी वजह से ही, वो कार्य उनका रूप लेके वो नहीं किया है और वही करती रहेगी। तो इस प्रकार सब दर्शन लेने के लिए आए। फिर ऐसा वर्णन है एक बहुत सुंदर स्त्री आई वहां और दीदी मां के हाथ में एक वरण का डाला देके गई,
और दीदी माँ सबका वर्णन कर रही है। ये तो प्रथा है ही, किसी देवता का हम आवाहन करते, जैसे दुर्गा पूजा है, लक्ष्मी पूजा है, आवाहन करके बुलाते हैं, फिर भी वर्णन करते हैं, उसका प्रथा है ही है। लेकिन इनके यहां इतना अभाव, वर्ण सामग्री भी लाएंगे कहां से? तो हाथ में देखे गई, वर्ण कर रही है। तो इस बारे में मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि ये जो बोल रहे हैं, इसका अनुभव सिर्फ दीदी मां ने ही किया है कि उस स्त्री जो आई है, वरण डाला, देखे गई और सबका वरण किया, इसके साक्षी सिर्फ दीदी मां ही। तो क्यों ना ऐसा समझेंगे कि उसके मन में सब आया होगा, उसके मनोराज्य के अंतर्गत सब देखा होगा। बहुत दिन जिज्ञासा मन में थी, मां को तो पूछ नहीं सकते, किसी हालत में इस बारे में मां की जिज्ञासा हो ही नहीं सकती। गिरिजानंद महाराज जी को पूछा था हमने, बोले जो लिखा है वो सही है, ऐसा ही हुआ है। तो हमने कहा कि हम तो श्रद्धा की वजह से इसको पूर्ण रीति से मानते हैं, सत्य है ये, लेकिन जब उसका दूसरे को कहना है, कुछ प्रसार करना है, तो उसके लिए प्रमाण निश्चित चाहिए, नहीं तो जिसे प्रमाण नहीं वो बातें जाहिर रीत्या कह नहीं सकते। तो बोले फिर क्या करेंगे, मत बोलो उसके संबंध में, किसी को मत बताओ, कुछ प्रमाण अलग नहीं है। फिर एक बार ऐसा मौका आया था कि पुणे में मां दीदी मां सहित आई, हम सोचते थे अब दीदी मां से ही बात करके पूछेंगे, लेकिन बड़ी कठिनाई ये थी कि हम बंगाली नहीं जानते थे और दीदी मां हिंदी बातें इतनी नहीं जानती थी, बोल नहीं सकती थी, उसमें बोलेगी तो बंगाली में बोलेगी। तो फिर मां की कृपा से उन सब ब्रह्मचारिणियों में एक शोभा दीदी नाम की थी, बंबई में बहुत साल रही, इसलिए मराठी अच्छी तरह से बोल सकती थी, समझ सकती थी। फिर हमने सोचा कि यह बड़ा अच्छा हुआ, हम उससे बात करेंगे और वो दीदी माँ से बात करेंगे, दीदी माँ उसे जो बताएंगे हमें मराठी में बता देगी अथवा हिंदी में बता देगी। तो उसे कहा कि दीदी एक बात है हमारी, दीदी माँ से कुछ पूछना है। क्या पूछना है? ये सब देवी देवता आदि जो है, क्या उनके भावराज्य में ही का प्रत्यक्ष, क्योंकि दूसरा कोई था नहीं वहां, अगर दूसरा कहीं रहता था तो समझ सकते थे कि उसके भी ध्यान में आया है। उसने कहा ये प्रश्न मत करना दीदी मां से। बोला फिर किससे प्रश्न करेंगे, अगर आप बता सकती हैं तो बताइए। बता दिया मैंने कि विरजान महाराज जी भी इसके बारे में कुछ प्रकाश नहीं डाल पाए। बोले मैं पूछूंगी नहीं, तुम्हें जो कुछ और तरीका सूझेगा उसके अनुसार करो। दो तीन दिन इस प्रकार चले। हमने कहा कि ये तो हम हिंदी में और मराठी में अगर बोलेंगे, कुछ पूछेंगे तो दीदी मां समझ नहीं जाएगी, तुम सिर्फ दुभाषा का काम करो और कुछ नहीं। तो कैसे समझा बुझा के आखिर में राजी हो गई। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगी कि इनको कुछ पूछना है, वो पूछेंगे, उसका
बंगाली करके मैं तुम्हें बताऊं, मैं पूछ रही हूं, ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार पूछा दीदी माँ को, हमने हिंदी में पूछा, उसका बंगाली अनुवाद करके दीदी माँ को बताया, कुछ बोले नहीं दीदी माँ। कोशिश करने के बाद भी कुछ बोली नहीं तो वो शोभा दीदी कहती कि देखो अब तो कुछ इलाज नहीं चलेगा। बोले ठीक है। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन कोशिश करते रहे हम, शोभा दीदी को किसी तरह से मना के ले जाते थे कि पूछो ना, थोड़ा कम से कम आज पूछो। चौथे दिन उसने कहा कि देखो तुम्हारे लिए आज पूछूंगी मैं, कल से कभी भी नहीं पूछूंगी। हम विचार कर रहे थे ऐसा ही कोई हिंदी और बंगला जानने वाला कोई हो तो उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन माँ की कृपा उस दिन दीदी माँ बोली एक ही वाक्य। हमने जब पूछा कि भावाराज्य में सब देव देवता आते थे या प्रत्यक्ष, जवाब एक ही छोटे वाक्य में दिया उन्होंने, जैसे तुम लोग आए हो मतलब सिर्फ प्रत्यक्ष स्थूल रूप से, जैसे तुम लोग आए हो मतलब ये कि तुम आए हो, ये कि मेरे भाव राज्य में नहीं है, तुम आए हो। दूसरा भाग इसमें एक है, जैसे तुम आए हो जैसे प्रत्यक्ष, उसी प्रकार तुम खुद होके आए हो। क्या किसी ने दीमा के पास चलो ऐसा भी बुलाया नहीं था, हम खुद होके गए हैं। उसी प्रकार ये दीदी माँ सूचित कर रही है, उनका आह्वान तो किया नहीं गया था, बुलाया नहीं था, खुद होके आए हैं। क्यों आए हुए होंगे? जब हम जान जाते हैं कि कोई एक विशेषता किसी के पास है तो उसे देखने के लिए जरूर जाते हैं। बहुत बड़ा योगी है समझो, जब समझते हैं कि वो योगी हमारे गांव में आया है तो उसका दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। इसी प्रकार जिसमें कुछ विशेषता अगर होगी तो उसी के लिए आकृष्ट होकर दर्शन के लिए जाते हैं। दीदी मां की विशेषता साक्षात जगदम्बा जिन्हें को निमित्त बना के अवतीर्ण होने वाली है, कितनी भाग्यशाली है ये। किसी भी सामान्य जीव को ये मुमकिन नहीं है। छोटी सी थैली है समझो, और उसमें भारी वस्तु भर देंगे फट जाएगी। उसको धारण करने की क्षमता यह अद्भुत होनी चाहिए। इसलिए इस भाग्यशाली का दर्शन करने के लिए आए हैं, खुद होके आए हैं। तो तुम जैसे तुम लोग आते हो, इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि खुद होके आए थे। खुद होके भावराज्य में तो कोई नहीं आ सकता, प्रत्यक्ष ही आना पड़ेगा उसे। तो इस दृष्टि से ये तेज के रूप में अपना दर्शन सबको दे ही रहे, उसका दर्शन करने के लिए सब अवतार आदि आए ही है। इस रूप में तुम्हारी मां तो ये जो उनका कथन है उसकी भी संगति कि अगर ये मां का ही रूप है तो फिर
दीदी माँ का दर्शन देने के लिए आए क्यों? ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यम् नमो नमः। जय माँ।